नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जिस तरह से एक्सीडेंट की अगर बात करें, सड़क दुर्घटनाओं की बात करें, तो लगातार पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही, कभी पुंछ के सब्जी इलाके में, कभी राजौरी में, अलग अलग पहाड़ी इलाकों से इस तरह की दुखद खबरें आ रही है। अगर बात करें दो दिन पहले की, तो पुंछ के जो कि सब्जी इलाके से जो सड़क दुर्घटना हुई थी, एक मिनी बस जो कि खाई में जा गिरी थी, जिसमें लगभग 11 लोगों की जान गई थी और 27 लोग उसमें जख्मी हुए। इसी तरह कल की बात करें और आज की बात करें, लगातार ये जो सड़क दुर्घटनाओं का जो सिलसिला जारी है, कई मासूमों की जान जाती है। आखिर कमियां कहां पे, आखिर क्यों इतने सड़क दुर्घटना होते हैं, आखिर इस पर किसने अमल करने का प्रयास किया, क्या जानने का प्रयास किया कि आए दिन अगर इस तरह से इन इलाकों से एक्सीडेंट की खबरें आती और कई लोगों की जानें गंवानी पड़ती हैं, आखिर क्या वजह। इसी सारे बात करने हमारे साथ समय जो व्यक्ति जुड़ चुके हैं, फारूक अहमद बांडे, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये जाने का इनसे प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है लगातार जो सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते जा रहे, कई लोगों की जानें चली जाए, और जो हादसा कल की अगर बात करें, बच्चे भी उसमें थे, यानी लगातार इस तरह के हादसे हैं, उन पर किस तरह से काबू पाया जाए, आखिर कहाँ पर कमियाँ हैं। सर देखिए, जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का ताल्लुक है, हमारे इलाकों में, खासकर राजौरी, पुंछ या पीर पंचाल के इलाके में और चिनाब वैली में भी सड़कों को उतना बेहतर नहीं बनाया गया है, न बेहतर इतनी सड़कें हैं कि हम इन चीज़ों को रोक सकें। आए दिन हादसात होते हैं, बहुत अफसोस की बात है कि लोग जहाँ भाग हो जाते हैं, जैसे कि आपने सुना कि जैसे सौजिया में, जो कि मंडी तहसील का एक इलाका है, वहाँ से गाड़ी जो है मंडी की तरफ आ रही थी और वो सावजिया में ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 11 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, उसमें बहुत से लोग शदीद जख्मी हुए, कुछ लोगों को जम्मू बाई एयर लिफ्ट करके लाया गया, कुछ लोगों को इवन श्रीनगर भेजा गया, कुछ को मेडिकल कॉलेज राजौरी में भेजा गया और कुछ का ट्रीटमेंट जो है पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ। अफसोस की बात यह है कि हमें इस वक्त आज तक भी हमारे अस्पताल इतने इक्विप्ड नहीं है कि हमें मामूली एक इलाज के लिए भी रेफ़र किया जाता है जम्मू, जो कि वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। सड़कें ऐसी हैं कि आपको एक दिन आज के वक्त में लग जाएगा, क्योंकि सारी सड़कें खोद के रख दी हुई हैं, या तो सड़कों पर काम चल रहा है या किसी और ने सड़कों पर काम किसी और ने खोद रखी है, तो जो है इंसान जो है वो आज नॉर्मल इंसान जो है वो भी जब जम्मू से कहीं पुंछ से पुंछ जम्मू तक आता है, यहाँ से वहाँ जाता है, उसकी वैसे हालत ख़राब हो जाती है सफ़र में। तो आप मुझे हिसाब लगाइए कि जब एक ट्रोमा पेशेंट है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको जिसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, हो सकता है जिसको इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसको खून की ज़रूरत है, जिसको खून इमीडिएट चढ़ाना चाहिए, वो आप उसको जब जम्मू लेके आएंगे कि वो तो रास्ते में मर जाए, रास्ते में दम तोड़े। बिल्कुल सर, ये रास्ते में दम तोड़ सवाल है। बिल्कुल, तो इसलिए हमें पहले अपने इलाकों के हॉस्पिटलों की हालत भी तो साथ साथ ठीक करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाका है, एक्सीडेंट हो सकता है, आए दिन होते रहते हैं। अगर हमारे जैसे पुंछ जैसे इलाके में पहले मेडिकल कॉलेज तो है नहीं, होना तो वहाँ चाहिए था मेडिकल कॉलेज, क्योंकि दूर दराज इलाका है। अब अगर मेडिकल कॉलेज वहाँ नहीं आप दे पाए हैं, तो कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर दीजिए। एक फुल फ्लेज ट्रॉमा सेंटर वहाँ होता अगर, तो हम कई जाने बचा सकते थे। वी कुड हैव सेव्ड सो मेनी लाइव्स। जिसको खून की ज़रूरत थी, अगर ब्लड बैंक होता तो वहाँ ट्रांसफ्यूजन हो जाती। जिसको इमीडिएट स्कैनिंग की ज़रूरत थी, MRI होना था, CT स्कैन होना था, अगर उसका हो जाता और उसको ऐसी चोट होती जिसको इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत होती, हो सकता है वो इसकी हम जान बचा देते, वो तभी होता अगर वहाँ पर टाइम पर इलाज हाँ, और वहाँ मेडिकल फैसिलिटी मिलती, वहाँ क्रिटिकल केयर की केयर होता, यूनिट होता, वहाँ क्रिटिकल केयर के डॉक्टर होते, वहाँ एक जो है न्यूरो का डॉक्टर होता, बाकी एक्सरे की वो सारी फैसिलिटी जो मॉडर्न फैसिलिटी हैं, अगर वहाँ होती हमें किसी भी पेशेंट को जम्मू लाने की ज़रूरत नहीं थी, हर पेशेंट का इलाज पुंछ में ही हो सकता था, उसमें हमें उनकी जरूरत है। सर, ये
सर ये बहुत ही बड़े सा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हम चाहते थे किसी ना किसी से व्यक्ति से जो वहाँ से बिलोंग करते उनसे ये बात रखें। मोस्टली देखा जब भी इस तरह के सड़क दुर्घटना होती है, चाहे बात करें पीर पंजाल की बात करें, चाहे बात करें राजौरी पुंछ की बात करें, तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के हादसात होते हैं उन्हें रेफ़र किया जाता है जम्मू मेडिकल कॉलेज में। यानी साफ तौर पर यह है सड़कों की हालत तो ख़राब है ही, पर वही साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएँ वो भी चरमराई हुई हैं, क्योंकि ना जाने कितने लोग रास्ते से वहाँ से जम्मू तक लाते लाते वो दम तोड़ देते होंगे। माना बाद में अगर इन हादसों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाता है, पर क्यों ना उससे पहले इस तरह के इंतजाम किए जाए ताकि सड़कों की इस तरह से खस्ता हालत ना हो, वहाँ से स्वास्थ्य सुविधाएँ पब्लिक हेल्थ सेंटर उन्हें पूरी तरह सुचारू रूप से जारी रखा जाए, उन्हें चालू रखा जाए ताकि लोगों को जम्मू में आने की ज़रूरत ना हो, ताकि वहीं पे उन्हें फर्स्ट एड मिले, ताकि लोगों की जितनी हो सके जाने बच सके। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है आज तक क्यों नहीं इन चीज़ों पर, चाहे अभी की सरकारें प्रशासन या पहले की रह चुकी हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर चनाब वैली की बात करें, अगर हम बात करें पीर पंजाल की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, तो क्यों नहीं इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये आज आज़ादी के हम 75 वर्ष मना रहे हैं और हम ये बेसिक चीज़ है, हेल्थ सेक्टर पहला सेक्टर ऐसा है जो इंसान की ज़िंदगी बचाता है, इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए था, इस सेक्टर को सबसे मज़बूत किया जाना चाहिए था और ख़ासकर दूरदराज इलाकों में, क्योंकि शहरी इलाकों में तो एक हॉस्पिटल नहीं होता, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स होते हैं, हर फैसिलिटी मिल जाती है, या यहाँ से कहीं दूर भी किसी को जाना है दो घंटे में वो किसी बड़े अस्पताल में पहुँच जाता है। पुंछ जैसे इलाके में आज तक बड़ा अफसोस की बात है हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत वीक है, यानी हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका इतना लोड है और डॉक्टर कम है, अगर ऐसा हादसा हो जाए वो डॉक्टर जो अपने पेशेंटों को छोड़ नहीं सकते जो ऑलरेडी एडमिटेड है, कि वहाँ भी तो इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी को अटेंड करें या इस इमरजेंसी को अटेंड करें, उसके लिए वो ये इमरजेंसी पूरी अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको मजबूरन उनको रेफर करना पड़ता है। अगर वहाँ पर ये हॉस्पिटल हो, ट्रॉमा सेंटर होता तो, क्योंकि उस वक्त ट्रॉमा में बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता है, एक आदमी खौफज़दा होता है और वो कई बार शॉक में चला जाता है, वो शॉक में जाने से उसका हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कई आदमी तो ऐसे हैं जो चले गए हैं, मतलब ऐसे शॉक में गए, यानी वो शॉक में चले गए, वो इसकी वजह से नहीं मरने लगी, वो शॉक से मर गए। जब एक आदमी ने अपने बच्चे को मरते देखा, बाप ने बच्चों को मरते देखा, तो उससे वो शॉक में चला गया और उसकी भी डेथ हो सकती है। क्योंकि कल के परसों की अगर दो दिन पहले की बात करें, जिस तरह पुंछ के साबजियां इलाके में जो हादसा हुआ, वहीं पर जो इंजर्ड से जो जख्मी लोग थे उन्हें लाया गया जम्मू मेडिकल कॉलेज और कुछ को भेजा गया वहां पर कश्मीर में भेजा गया, ये वहां पर खबरें में आई थी कि वहां का इलाज उनका इलाज बड़ा ही अच्छा तरीके से हुआ। पर जम्मू की अगर बात करें, उन्हीं के ही रिश्तेदार हमें कॉल कर रहे थे कल शाम को, किसी कारणवश हम उन तक ना पहुँच पाए कि उन लोगों को सही तरह से वो इलाज नहीं मिल पाया। यहाँ भी क्या कहेंगे, एक जम्मू का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर जब भी कोई, आपने जिस तरह से बर्डन की बात करी कि जब भी कोई इस तरह के हादसे आगे पीछे के दूर दराज के इलाकों में थे, सारा का सारा जो पेशेंट है वहाँ पर रेफर किया जाता है, तो ये भी एक हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमियाँ होंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो चल रहे हैं पेशेंट्स हैं उनको भी देखना, नए जो एमरजेंसी केसेज आते हैं, यानी एक ही अस्पताल पर अगर इस तरह के बर्डन डालेंगे तो किस तरह से हर एक को पूरा इलाज मिलेगा, पूरी सुविधा मिलेगी। तो क्यों नहीं हर एक एरिया में, पीर पंजाल की बात करें, अगर खित्ते चनाब की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, क्यों नहीं मेडिकल स्वास्थ्य विभाग को इस तरह से स्ट्रांग किया जाता, मजबूत किया जाता, ताकि बाहर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कई लोगों की रास्ते में दम तोड़ देते हैं, इतनी गंभीर हालात में होते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचाया नहीं जाता, कई गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उन्हें हॉस्पिटल तक लाया जाए, यानी सारी चीज़ों में एक आम जनता किस तरह से जूझती है, इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। देखिए अभी आप कहते हैं कि जब कोई डेथ हो जाए या कोई जख्मी होता है तो हम उसको कहते हैं कि हमने कंपनसेशन दी, मुआवजा दे दी, अरे कभी तो किसी मौत का भी मुआवजा मिल सकता है, मौत का मुआवजा नहीं हो सकता है, एक जान का मुआवजा नहीं है। आप उस बाप से पूछिए जिसने जवान बेटा खोया है, उस बहन से पूछिए जिसने अपना भाई खोया है, तो उसका मुआवजा नहीं हो सकता है, मगर कम अज कम हमें एज ए इंसानियत उसको वो सब फैसिलिटी देनी चाहिए जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, बेसिक गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज जो लोगों को चाहिए, और मेडिकल नंबर वन होनी चाहिए। अब जैसे अभी आपने बात की
कि जम्मू में जी पहले जम्मू में भी वैसा ही लोड है, जम्मू शहर में भी तो एक ही अस्पताल है, तो जो कि 15 लाख आबादी प्लस इसकी गर्दनवा की आबादी तो 25 लाख की आबादी कटर करता है, यहाँ भी वैसा एक ट्रामा सेंटर, बड़ा बड़ा सेंटर ट्रामा सेंटर की जम्मू में भी ज़रूरत है। ऐसी मैं कहता हूँ इसे नगर को भी देना चाहिए, जम्मू को भी एक ट्रामा सेंटर इमीडिएट बनाना चाहिए और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर खास करके दूर दराज के इलाकों में तो ट्रॉमा सेंटर की बड़ी ज़रूरत है। इन इलाकों की दूर दराज की बात करें जहाँ से अभी पूंछ रजौरी की बात, वहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर हम गए भी हैं, डोडा की बात करें तो पब्लिक हेल्थ सेंटर तो ना के बराबर है। अगर किसी को गहरी चोट आई तो आप दे देते हैं पैरासिटामोल की, एक पेन किलर दे देते हैं, वहाँ पर उस तरह की सुविधाएं ना ही वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो भी कीना की चिंता का विषय सवाल या निशान खड़ा करते हैं कि आखिर पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं तो उन पर पूरी नज़र क्यों नहीं, पैनी नज़र क्यों नहीं रखी जाती, वहाँ पर क्यों नहीं एक डॉक्टर वहाँ पर रखे जाते, क्यों नहीं वहाँ पर दवाइयाँ ताकि लोगों को फर्स्ट एड वहाँ से मिले, ताकि दूर दराज जाने तक या कहीं और उनको इलाज देने तक तब तक उनकी जान बच जाए। देखिए बड़े अफसोस की बात है, जो हमारा आज का निज़ाम, आज से गवर्नर राज तो 2-3 साल से है, मगर इससे पहले जो लोग राज करते थे ये उनका भी तो फर्ज बनता था, वही आप भी कह रहे हैं, लोगों ने उनसे भी तो पूछना है, बताइए आज अगर हम कहें कि आज की सरकार या रही, पर पहले जो इतने सालों से 70 सालों से जो सरकार रही थी उन्होंने क्या किया, उनकी कारकर्दगी का बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा तो सवाल उन्हीं को पूछना चाहिए कि आप बताइए आपने अपने वक्त में ये सेक्टर क्यों कमजोर रखा। ये कमजोर इसलिए रखा कि इस ये पॉलिटिकल सेक्टर नहीं है, इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, आपने वहां पर ज्यादा काम किया जहां आपको पॉलिटिकली फायदा मिलता था, हेल्थ सेक्टर से पॉलिटिकली फायदा नहीं मिलता था। ये अफसोस की बात है कि हमारे वो लोग जो आज रो रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, भाई आप जब थे तब आपने क्या किया, तब आपने स्टेट के साथ क्या इंसाफ किया है कि नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, जनता को फिर से बेवकूफ बना रहे हैं, अपने टाइम में आपने कौन सी सुविधा दे दी। बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ उन लोगों से हिसाब लेना चाहिए कि आप बताइए आपने भी तो राज किया, आप भी तो 2 साल तक आपका ही लगातार राज रहा, 2.5 साल पहले तो आप ही राज कर रहे थे और कंटिन्यूसली 1947 से लेकर आज तक आप राज कर रहे थे, इस सेक्टर में आपने क्या किया, कौन से आपने वो उस वक्त भी ये जो आप मेडिकल कॉलेज आपने अब बनाए इनको भी आपने फुली इक्विप नहीं किया है, अभी वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पूरे इक्विपमेंट नहीं है, हमारे अगर अस्पतालों में सिटी स्कैन है तो डॉक्टर ही नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, क्या करना मशीन को, उस कमरे का नाम क्या रखा आपने, आपने रखा है जी यहाँ जी सब कुछ फैसिलिटीज़ है, वो है ही नहीं। या ये शर्म की बात है, अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक नहीं है, कितना ज़रूरत है ब्लड बैंक का होना, कितना लाजमी है, अगर ब्लड बैंक होता लोग खून डोनेट करते, वो स्टोर होता, जैसे आज पेशेंट आए कोई ज़रूरत नहीं थी हमें किसी से ब्लड मांगने की, कम से कम हम इमीडिएटली ब्लड दे देते, ब्लड देते उनकी जानें बचा लेते। ये आपने सच कहा, कसूर आज की हुकूमत को भी नहीं हम डाल सकते, अब इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली एटलीस्ट आप उन जैसे इलाके में एक अच्छा यानी मिसाली ट्रॉमा सेंटर दीजिए, ताकि आप कहें कि देखिए हमारा पुंछ का ट्रॉमा सेंटर, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो उसको अटैच रखिए किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, वो डॉक्टर ये नहीं कि आज अभी वो ट्रॉमा सेंटर में है जी वो क्या करेंगे, अरे भाई डॉक्टर है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेंगे, जिस दिन कोई ट्रॉमा हो गया वो सारे दौड़ेंगे अपनी ड्यूटी करेंगे, तो एक तो ड्यूटी समझिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप मदद कर रहे हैं ट्रॉमा सेंटर देके, एडिशनल डॉक्टर मिलेंगे, एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, पेशेंट अदरवाइज भी वहाँ पर जाएंगे, जब ट्रॉमा होगा वो उनके लिए खास करके होगा, तो हम जान बचा पाएंगे और कम से कम लोगों की इस मुसीबत में हम उनके साथ होंगे और उनका काम कर पाएंगे। तो मैं क्योंकि आप यहाँ बैनर ऑफ इसमें बैठा हूँ, अंडर द बैनर ऑफ ये हो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी का जो फर्स्ट है प्रायोरिटी है वो हमारा हेल्थ सेक्टर है, और हम अगर हम लोगों ने हमें विश्वास दिया, हमारे अंदर एक बार विश्वास जगाया, हमें मौका दिया, तो हम ये लोगों को कहते हैं कि ये सेक्टर ऐसा होगा, ऐसा लगेगा आपको जेंड की आप तो ऐसा लगेगा, पुंछ वाले को लगेगा कि मेरा दिल्ली जैसा हॉस्पिटल है, जम्मू वाले को लगेगा मेरा दिल्ली जैसा हॉस्पिटल है, हम वो हर चीज़ देंगे जो वहाँ बड़े शहरों में, वो हम अपने छोटे शहरों में कस्बों तक भी फैसिलिटीज़ को पहुँचाएंगे और बाकी फैसिलिटीज़ भी लोगों तक पहुँचाएंगे। ये थे हमारे साथ फारूक अहमद बांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, और जिन्होंने बड़ी बाखूबी वो चीज़ों का बयान किया, वो चीज़ों का ब्यौरा किया और बड़ी सच्चाई से बात रखी, और वाकई सच भी है कि आज की अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें, आज की जो सरकार की बात करें, सारा हम बांडा ठीकरा उनके सिर पर क्यों फोड़ें, जो पहले लोग थे आज बड़े बड़े दावे कर रहे, नई पार्टियाँ बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपने अपने कार्यकाल में चनाब वैली के लिए, पीर पंजाल के लिए, राजौरी पुंछ की बात करें उनके लिए क्या किया,
यानी आज भी वहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात करें तो शून्य है वहाँ की जो भी सर्विस सेवाएँ। बात करें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, ट्रॉमा सेंटर आज तक नहीं बना। आप किस बात की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी आज देखा जाए तो अगर वाकई उन लोगों को वो सुविधा मिली होती स्वास्थ्य की, तो वहाँ से अगर कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो उन्हें भागना ना पड़ता जम्मू में। तो कहीं ना कहीं जम्मू का एक ही मेडिकल कॉलेज जहाँ पर हर खित्ते के लोग उन्हें वहाँ पर अगर कोई सीरियस गंभीर घटना दुर्घटना हो जाती वहाँ तक आते, तो हैं तो वो भी इंसान ही, डॉक्टर ही हैं, यानी जितना उनके उनके पास स्टाफ उतना ही होगा, जितनी कैपेसिटी होगी, जब उससे ज़्यादा हो जाएगी तो खुद सोचिए आखिर किस किस को वो अटेंड कर पाएंगे। तो अगर वही स्वास्थ्य सुविधाएँ अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरिया में अगर अच्छी तरह से जब बनाई जाए, वहाँ दी जाए जनता को, तो उन्हें यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फारूक जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये निवेदन भी किया, सर आपके कार्यकाल में अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं पीर पंजाल की बात करें, चनाव वैली की बात करें, रजौरी पुंछ की बात करें, सड़कों को अच्छा किया जाए ताकि इस तरह के हादसा ना होए, और साथ ही सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य के केंद्र को वहाँ पर आप यदि ये कहेंगे अपग्रेड किया जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को जम्मू का रुख ना करना पड़े, आगे पीछे ना भागना पड़े जबकि कोई बड़ा हादसा हो जाता है या सड़क दुर्घटना हो जाती है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को अगर जनता मौका देती तो आपको लगेगा हम जम्मू के किसी गाँव के शहर के अस्पताल में बल्कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, आए दिन इस तरह के बड़े बड़े सड़क दुर्घटना होनी और कई लोगों का जानों को गंवाना एक बड़ा सवाल है। कंपनसेशन से ना ही किसी की कमी को पूरा किया जा सकता है, ना ही किसी के परिवार के सदस्य को वापस लाया जाता है, पर उससे भी बड़ा बात यह है कि आज तक जो सरकारें थी, पहली सरकारें, उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा। आज भी लोग क्यों, जब इस तरह की घटनाएँ होती अपनी जान बचाने की, लोगों को क्यों आगे पीछे भागना पड़ता है, दर बदर भटकना पड़ता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को, जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।